अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जनाब ये जो पैसे आप देख रहे हैं ये मैं छुप छुप के वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज़ के पैसे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनाब अभी मैं करा रही हूँ बालों को थोड़ा सा ट्रिम, काफ़ी ज़्यादा एक एक स्टेप मुझे कम करवाना है। तो मेरे साथ है आज काशी भाई, काशी दी ग्रेट, लेट्स सी क्या करते हैं ये विद द हेल्प ऑफ ट्रिमर। सारे नीचे लाते हैं, सारे नहीं मतलब बस नीचे के जो है ना एक्स्ट्रा बस निकाल दें, नीचे का थोड़ा सा जो रस्ता है अगर पूरे सीधे करने पे तो, अगर जो पूरे स्ट्रेट करने पे ना तो मतलब के सारे टोटल वन लेंथ कितने बनेंगे इतने आ जाएगी इस पोर्शन पे अगर जो पूरे स्ट्रेट करेंगे तो। पर अगो आ छोटे ना दिखा रहे क्योंकि आ तो मिक्स हो जाने काका इतने छोटे ना तो कितने जाओगे बहुत ज्यादा और तो इतने कटो काट के ले एक मिनट पूरी कॉम जिन्हें बाहर जाने फिर देख कितने कितने कम करने कितने काट काट। ओए चल चल तू की बच्चे को चीजा बिठवानी देनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ए की कद वेल होता ते कटिंग इधर वालदा है ना, वालदा है ना तेरा अपने अरे छोटे छोटे बाल ने कटिंग करा रही है तू मेरे वरगा हाथ करा। और ये जी मेरा सबसे छोटा शैतान भाई, और क्या आपके घर में भी ऐसे सैंपल होते हैं? मेरा दिल नहीं मन रहा है अपने बाल का चंप। अरे को इधर आओ, कम कर दे, थोड़े कम कर। ए कहंदे ने कि वन लेंथ कर दे, तो वन लेंथ की थी ते इथो इथो कट तो यार तू अनमे कर। ओके ओके ओके, मैम आप सर सीधा रखें। चल आओ जा रहा हूं। ओ यार टिंड मार तू, टिंड कर दे इसकी बॉडी की। ਕਾਸ਼ੀ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੱਭਣ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਰੁਕੇ ਕਰ ਦੇ ਅਗੋ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦੇ। नहीं नहीं है तेरे नहीं है मेरे ने ओने पागल तेरे है ने नहीं नहीं ऐ तेरे ओने ओ सही है सारे मेरे ही बेटा कलर का फर्क है तू डाई कराई हुई है तेरे इतने बड़े लावा की तरह दिमाग ठीक है पीछे थले देख ऐ नहीं ऐ नहीं वही नहीं तो चाहिए इंच दे वाला काट के तू आप ही दे लावा ढाई इंच दे वाला तो चाहिए काशी सही बोल रहा है पता ही चल नहीं पे चाली ना तेरी तरह सच बोली कसम से जब सारे इकट्ठे हो ना तो यही होता है, हर बंदा व्लॉग स्पॉइल करके जा रहा है। समझ रहे थे शायद मैं डालूंगी नहीं, ये लोग आएंगे तो मैं बिजी बाज आने वाली। और जनाब काशी ए लाइन, मैंने उसको बोला था मुझे ए लाइन बाल चाहिए लेकिन बेचारा डर गया था क्योंकि ऊपर से अम्मी आ गई थी, अभी वो पीछे से शेप देने ही वाला था। फिर मैंने कहा बेटा तू हट जा, जो हो गया सो हो गया, इसको मैं सेट करती हूँ। अच्छा जनाब ये सारे करने लगे आप पापड़ पार्टी जो कज़न इकट्ठे होकर सारे करते हैं। और काशी से बाल कटवाने का मकसद मेरा ये था, काशी साहब खुद भी टोनी एंड गाय में गए हुए हैं इस्लामाबाद के एक ब्रांच में,
और बड़ा अच्छा इसका हाथ है, लेकिन मेरे से डर रहा था क्योंकि इसे पता है कि बाजी को सारा कुछ पता होता है, तो इसलिए बहुत एहतियात से। और फिर वैसे भी जब अपने लोगों के बाल काटो ना तो डर तो लगता ही है, तो उस वजह से इतना मैं नहीं डरी थी जितना ये डरा था। ये विकास के काम चेक करें, ये सारे एक ही काम कर रहे थे कि मैं किसी तरह व्लॉग ना बनाऊं, लेकिन मैं फिर भी नहीं बाज आई। मैंने कहा पुत्र तुसी जो जो कर लो मैं वही व्लॉग पाना, पीछे सबकी हरकतें आ रही और सब जैसे जैसे बोलिए मैं थे सबके सब सारे फेसेस आएंगे। और ट्रिमर से बाल इसलिए काट रही हूँ क्योंकि अम्मी और वसीम दोनों बाल काटने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैं हर साल बाल इतने कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों अजीब सी बात हो गई है। पहले बहुत लंबे बाल हुआ करते थे, फिर ये जो कमी शमी रह गई थी ना, जो मतलब काशी डर रहा था बाजी बहुत शॉर्ट हो गया है मामी ने डांटना है, तो इस वजह से ना भाग गया था इतने छोटे ना कराओ। फिर बाकी कसर जो है मैंने खुद पूरी कर ली। अम्मी ने सीजर्स वगैरह छुपाने का हुक्म दे दिया था, तो सब बच्चों ने सारी कैंचियाँ, इवन के वो जो मूछे मूछे काटने वाली कैंची होती है ना, वो भी गायब हो गई थी घर से। फिर हम कहाँ बाज आने वाले थे, मुझे नेक्स्ट डे न्यू लुक चाहिए था। मैंने फिर पकड़ा काशी का, मैं कहा चल काशी, और ये देखे ये मैंने खुद किया तो पीछे से स्ट्रेट था। फिर उसके बाद ये विकास साहब को और ये ट्रिमर जनाब मैंने फ्राज को गिफ्ट किया था, और कैंची ना होने की वजह से यही मेरे हत्थे चढ़ा मैंने ले लिया। क्या आपको पता है जब बाल आप कट डाउन करवाए होते तो बाल बिल्कुल झाड़ू की तरह हो जाते हैं, और हर जगह आपके पास शैम्पू के साथ कंडीशनर नहीं अवेलेबल होता, और हर बार आपको कलर कोट करके उन बालों को फिर कवर करना पड़ता है। और ये इसकी शैतानियाँ देखे, इसको लग रहा है कि मैं गई हूँ साइड पर और इसने ये जो ट्रिमर पकड़ा है और अपना नए नए फैशन करने शुरू कर दिए। यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब पास आएगा कैमरे को तो वाकई ये होते हैं हमारे घरों में तमाशे, जब हम सारे कज़न्स इकट्ठे हुए थे और इत्तेफाक से सारे के सारे पाकिस्तान आए हुए थे, और बहुत मज़ा आया। पिछले व्लॉग में भी आपको मज़ा आया होगा, इसमें भी शानी भी पाकिस्तान आया, तो फिर शानी ने और उसकी वाइफ ने हमें ट्रीट दी। पाकिस्तान का टूर इतना का हैपनिंग था मैं बता नहीं सकती। शादी अटेंड की, उसके बाद शॉपिंग है, और फिर बीमार हो गए। बीमार होने के बाद क्लासेस थी, स्टूडेंट्स से मिली, टीचर से मिले, कुलीग्स थे। और जी तो बिना सेट किए बाल ये हैं, इसके अलावा अगले व्लॉग्स में देख लीजिए। तो जनाब शानी भाई की शादी की पार्टी हमने ली है, और पार्टी में हमें मिला क्या है, KFC करें जिंगर भी है, और भाभी का फेस में जो है ना वो इमोजी लगा दूंगी बाद में। थैंक यू सो मच भाभी जी आपकी वेडिंग पार्टी देने के लिए। मामी बुला रही है, आजो आजो आज, चलो अभी बच्चा पार्टी इसके लिए साथ। बच्चों थैंक यू बोलो, थैंक यू मामी, थैंक यू मामी, आज बोलो थैंक यू मामी। किसी दे दो, दोनों दोनों किसी दे दो, किसी दे दो, कट्ठे कच्चे कट्ठे, 1 2 3 दोनों दोनों किसी दे दो। आए वाह, चलो। और जनाब वो पार्ट जिसके लिए आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से देखो। तो जनाब मेरी YouTube से पाकिस्तानी रुपीज़ में पहली पेमेंट आ गई है, ये चक्कर में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे पैसे जो है वो मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं अम्मी के घर में थी और शादी से हम लोग आए थे रात को बहुत लेट। पैसे मैं सुबह के टाइम ही लेके आ गई थी, बट फटाफट छुपा के तो चले गए थे। वेडिंग अटेंड करने के बाद घर आके मैंने पैसे काउंट किए, तसल्ली की कि आया भी 58,000 पूरे हैं। मेरे बने थे $230, $30 जो है थे वो डिडक्ट करके उन्होंने मुझे टोटल ऑलमोस्ट मुझे सारा इसके पैसे दिए थे 58,000। और जनाब ये पैसे छुपाना अजाब था, अजाब। और ये लगे ऐसे हैं जैसे स्वाप का काम होता है, कसम से। मैंने सिर्फ थोड़ी सी शॉपिंग की है, ईद के लिए जूते कपड़े लिए हैं, दुबई आने के लिए अपने फरवा की कुछ चीज़ें ली थी, और फिर जहाँ जा रहे थे पैसे ऐसे लग रहे थे, किराया लग रहा है इतना ज़्यादा पाकिस्तानी पैसों में। उसके बाद फिर हर बंदा जो है जिसके घर जाओ वो फिर हालिया जाते अच्छा भी नहीं लगता। और शानी के लिए जो है अनम ने गिफ्ट दिया था, शानी की वाइफ फ़र्स्ट टाइम आई थी हमारे घर, तो उसके लिए मैंने ये ड्रेस ली थी, सेम ऐसी ही मैंने अपने लिए भी ली। अरे प्रणाम के साथ थोड़ी मस्ती करते हुए फिर हम सो गए। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।